अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी अनुभवी नजर और देखिए हमारी ये खास खबर। अध्यापक MPS कमेंट टोला तमाम ग्राम वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार के पूर्णिया में स्कॉर्पियो और टेम्पो में हुई टक्कर और जिससे एक व्यक्ति सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद स्कॉर्पियो की चपेट में आने से उनके दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बाद में उनकी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बताते चले, पूर्णिया जिला के कृत्यानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनभाग चुनापुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के दीपन ठाकुर 63 वर्षीय तिनटोलिया नामक गाँव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि वे अपने घर से अपनी बेटी के ससुराल धमदाहा गए थे। धमदाहा से मेहमानी कर लौटने के क्रम में मीरगंज थाना क्षेत्र के आगे बहेलिया स्थान चौक के पास धमदाहा से आते हुए स्कॉर्पियो और ऑटो में टक्कर हो गई। दीपन ठाकुर ऑटो से नीचे गिर गए, जिसके बाद स्कॉर्पियो उस पर चढ़ाते हुए निकल गया, जिससे दीपन ठाकुर के पैर फ्रैक्चर हो गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल ही सदर अस्पताल पूर्णिया लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कैसे हुआ मैम? घर में था, 7 साल से उसको घर में दर्द होता है। बनी ना वहाँ से सालियों से दूर का आया, वहाँ से आया ना तो बोले हम जाएंगे बड्डी बला के बाबा, घर में दर्द है। मालूम नहीं था जब किसी दिन हो गया, हमको फोन नहीं गया, हमको फोन लेके चल गया, हम क्या करेंगे। हमारे काल सुना काकुरा पर से गए वहाँ, क्या नाम है उनका जो उनका मृत्यु हुआ? आप उनके कौन है, क्या नाम है आपका? घटना मतलब बेटी यहाँ गया था, वहाँ से दवा लेने के लिए गया था, वहाँ दवा दिया, उसके बाद उसको 200 रुपये भाड़ा भी दिया। बेटी उसको मना किया कि पापा यार रह जाओ। कहाँ गया था बेटी? यहाँ गया था धमदाहा, गया धमदाहा गया था, धमदाहा से आ रहा था बेलिया थान में, कर्फ्यू वाला ठोक दिया, रिक्शा आगे चला गया, रोड पर गिर गया, उधर से कर्फ्यू आया, दोनों चक्का चलाते हुए लेकर। ये कौन चीज से जा रहा था? जा नहीं रहा था, आ रहा था उधर। क्या चीज से आ रहा? टेम्पो से। टेम्पो से आ रहा? हाँ, टेम्पो से रुका हुआ था। रुका हुआ था सर, चीज आ रहा था कि चालू हुआ कि खा रहा था ये। आपको जानकारी, फिर आपको जानकारी कैसे मिली? तो फोन किया वहाँ से, फोन किया। घटना किस जगह हुआ था? बेलिया थान के चौके पर हुआ था, बेलिया थान चौक पर हुआ था। उसके बाद क्या? उसके बाद वो लोग 10 मिनट रह गया, कोई हाथ नहीं लगा। उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आया, एम्बुलेंस आया, सदर हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद यहाँ फोन किया, छोटा लड़का गया, बोला बेटा हमको गर्मी लग रहा है, तो उसको पुट्ठा पर कहूँ का उनके बाद बोला थोड़ा जब पानी दो, पानी उसको लाग दिया, दो घर तो पूजे किया था, बस खत्म हो गई, डेट हो गया। क्या नाम है? दीपलरन ठाकुर। बताते चले कि दीपन ठाकुर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना की जानकारी हमारे संवाददाता कृत्यानगर अंचल अधिकारी को दिए श्री सिंह ने बताया कि घटना की बाबत जानकारी है और जो अनुदान राशि होगी वे उपलब्ध कराई जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि रफ्तार के कहर के तहत एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। निश्चित रूप से रफ्तार का कहर खतरनाक है। स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर के बाद जिस तरह दीपन ठाकुर सड़क पर आ गिरा और स्कॉर्पियो ने लापरवाही से कुचलता हुआ उसे आगे बढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। निश्चित रूप से यह बेहद पीड़ाजनक है। के नगर से कोनेन रजा की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।